आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम एकदम घर के बेसिक सामान से, और ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी। ना इसे आपको पकाना है और ना इसे आपको कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है, ये फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स खाना खजाना। तो चलिए फिर देखते हैं इस टेस्टी सी और क्रीमी सी झटपट मैंगो आइसक्रीम को कैसे बनाया जाता है। बढ़िया सी क्रीमी मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2, ये मीडियम साइज़ के आम हैं, ये मैंने दशहरी आम लिए हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा होता है और हमारे घर में सबको दशहरी आम ही ज़्यादा पसंद है। इसे अब हम बस ऐसे छील लेंगे पूरा, और अब इसे छोटे पीसेस में करने के लिए ये सबसे इजी तरीका है कि आप इसी में पहले ऐसे कट लगा दें तो ये आराम से पीसेस होके आ जाता है। बस ये इस तरह से, और आप ऐसे निकालेंगे तो ये पूरा इस तरह से पीसेस हो जाएंगे। सारे आम को हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये सारे आम मैंने पीसेस में कट कर लिए हैं। अब हम इसे सबसे पहले मिक्सी का एक जार लेंगे और हम अपने सारे आम जो है इसके अंदर डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे ये 1/2 कप चीनी इतने आम के लिए, क्योंकि आइसक्रीम तो थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो चीनी थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे हम बहुत अच्छे से एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। आम का पल्प आप देखेंगे बहुत अच्छे से पिस गया है और ये बिल्कुल स्मूथ है। अभी इसमें जो थोड़ी बहुत आपको ये आम की गाँठें दिख रही हैं, अभी इसमें हम क्रीम वगैरह डालकर पीसेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आम को पिसने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करके इसे पीस सकते हैं। और अगर आपको ये भी लग रहा है कि आपके आम का कलर अच्छा नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आम के कलर थोड़े लाइट होते हैं, तो आप बिल्कुल 1 पिंच इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप मिल्क पाउडर, कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर कर, ये मेरी घर की 2 दिन की फ्रेश मलाई है वो इसमें डाल देंगे। आपके पास अगर मलाई नहीं है तो आप बाज़ार की फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और मैं डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, और ये बहुत अच्छे से घूम जाए और मिक्स हो जाए। मैं इसमें डालूंगी बहुत थोड़ा सा मिल्क, और अब इसे भी हम बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे बिल्कुल स्मूथ होने तक। ये पल्प हमारा बिल्कुल अच्छे से फिट चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए कितना क्रीमी और कितना बढ़िया है ये, और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इसमें आपके बिल्कुल भी आइस नहीं आएगी, बशर्ते कि आप इसे किसी भी एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन में ना जमाएं। आप इस तरह का कोई भी प्लास्टिक के डब्बे में जमाएं, और या फिर आपको जैसे आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप इस तरह के छोटे छोटे ग्लास में भर लें और इसको ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके फिर जमाएं, तो आप ऐसे का ऐसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं। ये पूरा इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी 1 कप के लिए, और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दें या पिस्ता भी डाल सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। इससे थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आने लगता है। बिल्कुल झटपट आइसक्रीम है ये, आपको ना दूध को पकाना है और ना दूध को गाढ़ा करना है, बस 10 मिनट आपको मिक्सी में थोड़ा सा काम करना है और आपकी एकदम मज़ेदार क्रीमी आइसक्रीम तैयार हो जाती है। और 7 से 8 घंटे के लिए इसे आप फ्रिज में रख दें या ओवरनाइट भी रख दें। अब मैं आपको ये 7 से 8 घंटे के बाद दिखाऊंगी। लगभग 8 घंटे हो गए हैं और हमारी आइसक्रीम भी एकदम बढ़िया से सेट हो गई है, और आप देख सकते हैं ये कितनी स्मूथ और क्रीमी है। अब इसे हम सर्व करेंगे एक अच्छे से आइसक्रीम बोल में। ये देखने में जितनी क्रीमी और सॉफ्ट लग रही है उतनी ही ये खाने में भी बहुत लाजवाब है। अब इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट से। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। एक बार फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।